हेलो। हेलो। हाँ जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा गुरुजी, बात कर सकते क्या अभी थोड़ा? मैं गुरुजी नहीं है, आपका बाप गुरुजी है, आपका दादा गुरुजी है, आपका परदादा गुरुजी है। गलती हो क्या साहब, नाराज हो गए आप? हाँ, नाराज नहीं है, गुरुजी नहीं है, मैं एक कॉमन मैन है, तृण मात्र है, एक अहोरात्र है। साहब जी, आपका वीडियो दिखा था, उसमें तत्परा मैडम का वीडियो था, वो लकड़े का शिवलिंग के लिए, राइट? तो उसके लिए नंबर देखा तो मैं आपको फोन किया, थोड़ा सा पूछना था, कुछ बात कर सकते हैं क्या? उसको लोन नहीं रहने वाला कोई देते हम लोग, किसको हाँ जी, कर्जा नहीं रहते उनको ही देते। किसको सर समझ में नहीं आया क्या सर मेरे को? हाँ सिर के ऊपर कर्जा नहीं रहते उनको वो देते, किसको अच्छा, जिसको कर्ज है उसको नहीं देते? हाँ कर्जा है उसको क्यों नहीं देते। शिव शिव भगवान बोलता है आप कर्जा मुक्त जिंदगी करेगा तो आप मेरे को हाँ पूजा करने जैसे ही है, कर्जा में रहेगा तो मेरे को पसंद नहीं बोलते। आप, आपका बेटा कर्जा करेगा तो पसंद करते क्या? इसे नहीं। आप शिव भगवान का बेटा है, हाँ वो पसंद नहीं करेगा तेरे को, कर्जा करेगा तो। लेकिन साहब मेरा तो लाइफ इतना मिजरेबल है ना, कभी बहुत बाजू सब कर्जा है, बहुत बाजू दुख है, बहुत बाजू फेलियर इसीलिए है, बहुत तो तू कर्जा बाजू क्यों किया? हो जाता है ना नहीं सब। नहीं मैं तुम बात मत करो, रखो जी फोन। हो जाता है, कैसे हो जाता है, मेरे को क्यों सब नहीं हुआ? नुकसान होता है साहब, क्या करें साहब? नहीं, नुकसान करना ही भगवान को पसंद नहीं। राजा जैसे जियो, भगवान का बेटा है तू। सर थोड़ा सा कुछ समझ नहीं पड़ता था, कुछ धंधा में नुकसान हो गया सब, नहीं होता है, नौकरी भी छूट जाता है सब, चलता नहीं है, क्या करेगा सब, बहुत मुश्किल था लाइफ। छोड़ ना यार, आप कुछ पहला कर्जा से मुक्त हो जाओ, बाद में शिवलिंग देखूंगा। रास्ता दिखाओ साहब जी, कुछ रास्ता दिखाओ तो अच्छा है सर। नहीं, मन में शिवलिंग चाहिए बोल के सोच आए ना, वही क्षण से शिव भगवान आपको ऋण मुक्त करना चाहते हैं। उसके लिए आप शिव शिव भगवान आपका जिंदगी का नांदी तालिया। आप चिंता मत करो, आप कर्जा नहीं करने का सोचो, बस ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके। थैंक यू सर।